विजनरी आदमी ने ऑलरेडी मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया है। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राम राम। श्रीकांत मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, ये एक सत्य घटना पर आधारित है, तो पहले हम इसका ट्रेलर देखें। हेलो सर, मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ और लाइफ साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। हेलो सर, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। थैंक यू। नाइस। हेलो सर, आई वांट टू बी अ स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट एंड टू बी द फर्स्ट मैन ऑन मार्स। थैंक यू सर। हेलो सर, सर मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। थैंक यू सर। व्हाट इज योर नेम यंग मैन? अब्दुल कलाम। सर माय नेम इज श्रीकांत बोला। लोगों ने कहा श्रीकांत हो रजनीकांत नहीं, मुंह के बल गिरोगे। उसने कहा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में श्री को 98% आए थे। श्रीकांत मिशन भी आर्ट्स में ही हुआ है, मान नहीं रहे कॉलेज वाले। क्यों? विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है। मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा, चाहे जो जाए। इसीलिए केस करना है। किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। सर श्रीकांत, आपने न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा। सर न्यूटन ने ग्रेविटी जरूर डिस्कवर की थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले किसी ने एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा होगा। पर किसी ने ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचा सर, उसके लिए आंखें नहीं चाहिए। टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। सेक्स स्क्वायर। इंडिया के किसी भी कॉलेज ने जिसे पैसे भरकर भी एडमिशन नहीं दिया, उसे दुनिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज ने स्कॉलरशिप देके बुलाया है। बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो श्रीकांत, तुम्हारे कोर्ट केस, क्रिकेट, MIT सबके बारे में पता है मुझे। सर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन नॉट ट्रैवल अलोन इन द फ्लाइट। तो आप समझ नहीं रहे, मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा MIT में एडमिशन हुआ है। आई कैन नॉट लेट यू फ्लाई अलोन। सर आई नीड यू, ऑफ कोर्स आई नीड योर हेल्प। एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज हेल्प मी। सर आप प्लीज रुकिंग को बोल दीजिए आप मेरे साथ हैं, मेरा एडमिशन नहीं होगा वरना। समवन प्लीज हेल्प मी। लोगों को तो लगता है कि ये ट्रेन में गाना गाने के लिए ही बने। मुझे भीख नहीं मांगनी है टीचर, मुझे पढ़ना है टीचर। अब डिसेबल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे। और जॉब क्रिएट कैसे होंगे? आपको पता है एक विजनरी आदमी ने ऑलरेडी मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिए। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है। बेचारा इतना बुरा हुआ इसके साथ, कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहां जाएंगे हम। भैया अंदर के मदद करो। पैसे दे रहे हो? मुझे दो, इसे हम जॉब देंगे। ये जो ट्रेलर आपने देखा ना, ये 3 मिनट 17 सेकंड का ट्रेलर था, और ऐसे लग रहा था कि अभी शुरू हुआ और अभी खत्म हो गया, क्योंकि हम ट्रेलर में इतना खो गए थे। ये एक रियल घटना पर आधारित है। श्रीकांत बोला जो जन्म से अंधे, पर उनका मानना था कि ये उनकी कमजोरी नहीं है, ये उनकी ताकत है, और बाद में उन्होंने 98% से पास किया था और उन्हें साइंस पढ़नी थी। वो उसमें कहते हैं टीचर, पर वो कहते हैं कि सेव तो हमेशा से गिर रहा था ना ऊपर से, पर उसको देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ती है, साइंटिस्ट को आंखों की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो इतने मेहनती होते हैं ना, इसमें राजकुमार राव ने जो एक्टिंग की है ना, इतनी दमदार की है ना। अगर आप मूवी देखेंगे, मूवी 10 मई 2024 को सिनेमाघरों में दिखाई, बहुत धमाकेदार होने वाली, ये सारी मूवियों से हटकर होगी। वो कहते हैं कि अंधे भीख मांग रहे होते तो वो कहते आप पैसे दे रहे हो ना, कहते पैसे हमें दो, क्योंकि वो खुद अंधे होते हैं श्रीकांत। वो कहते हम इन्हें जॉब देंगे। 2005 में 150 करोड़ का उन्हें टर्नओवर करके एक बिजनेस खड़ा किया, तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। ये सब हमें मूवी भी देखने के बाद पता चलेगा। उन्हें कितने लोगों को जॉब पे रखा था। जब
एपीजे अब्दुल कलाम ने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहता मैं इंजीनियर बनना, कोई कहता मैं डॉक्टर बनना, वो कहते मुझे राष्ट्रपति बनना है। उन्होंने ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम से बोला। टॉप की चार यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए परमिशन मिल जाती है, पर जब वो वहां जाते हैं ना एयरपोर्ट पे, तो उनको प्लेन में बैठने की अनुमति नहीं होती है। उनकी बचपन की कहानी दिखाई जाती है कि वो उनको लोग कितना परेशान करते हैं। वो हर चीज में नंबर वन है, हर चीज में, ऐसा ट्रेलर में दिखाया गया। मूवी में क्या क्या दिखाया जाएगा ना, सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक नेत्रहीन व्यक्ति ने, एक अंधे इंसान ने ट्रक बनाते हैं। वो कहते तुम दौड़े क्यों नहीं, वो कहते मैंने कहा मैं भाग नहीं सकता हूँ पर मैं लड़ सकता हूँ। वो एजुकेशन सिस्टम पर केस करने गए क्योंकि उनको अंधे होने के कारण कोई साइंस में एडमिशन नहीं दे रहा। उन्होंने बता दिया कि जरूरी नहीं कि आदमी अंधा हो तो कुछ नहीं कर सकता। तो कहानी है ना, वो एक प्रेरणादायक कहानी है, रियल घटना है, प्रेरणादायक कहानी है कि वो अंधे होने के बावजूद भी पूरी समाज से, पूरी दुनिया से, पूरे एजुकेशन सिस्टम से लड़ गए, भिड़ गए वो, और उन्होंने कड़ी मेहनत करके ये साबित कर दिया कि वो सबकी आंखें खोल लें। इसमें आपको देखने को मिलेंगे राजकुमार राव, ज्योतिका, आलिया एफ और शरद केलकर। शरद केलकर उनके बिजनेस पार्टनर होते हैं और वो शरद केलकर को बताते हैं कि मुझे पहला चेक मिल चुका है अपने बिजनेस करने के लिए। उन्होंने कहा किसने दिया, उन्होंने कहा दिखाया कि एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको वो चेक दिया था। ये एक कहानी इतनी दमदार होने वाली ना, सारी मूवियों से हटके होगी, क्योंकि एक तो वो अंधे थे और उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की कि और बहुत सारे अंधे लोगों को रोजगार दिया। टाइपिंग बहुत अच्छी करते हैं, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, क्योंकि उनका सपना था। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि श्रीकांत बोल्ला की जो ये ट्रेलर रिलीज किया गया ना, इस ट्रेलर में आपको क्या अच्छा लगा। हमें ये ट्रेलर बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें एक कड़ी मेहनत, क्योंकि कड़ी मेहनत करने वाले इंसान के लिए आंखें होना ना होना कोई मायने नहीं रखती। इसका टाइटल टैग भी है कि श्रीकांत बोल्ला सबकी आंखें खोलने आ गया है। तो बने रहिए हमारे साथ, ये सुनवाते रहिए, इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि ये मूवी बहुत दमदार और बहुत जानदार होने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम।